ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो भी स्टूडेंट सी यूजी की तैयारी कर रहे हैं और आपने फॉर्म भरते समय जनरल टेस्ट को चुना है क्यों खास होने वाला है सर हम जीटी में कैसे बढ़िया स्कोर कर सकते हैं क्या हम 250 में 250 पा सकते हैं क्या ये संभावनाएं हैं पॉसिबल है तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट सी टी के क्रेज कोर्स में जुड़े हो और आप लोग हमसे पढ़ रहे हो जीके जीएस या फिर रात चैनल पे तो आप बताओ कमेंट में क्या आपको जीएस से भी लगता है क्या? इसके यही तीनों सेक्शन है आप मैथ रीजनिंग जीके जी एस एंड करेंट अफेयर अगर ये तीनों सेक्शन पे आप कवर कर लिए हो, मतलब टेस्ट में आप बहुत बढ़िया स्कोर करने वाले हो कैसे दो नंबर संभव है हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जनरल टेस्ट का लेटेस्ट सिलेबस क्या है पैटर्न क्या है इसके अलावा जो भी मेजर फैक्ट है जो अधिक से रीट नंबर लाने के लिए जरूरी है उसके बारे में बात करेंगे बच्चों तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ेंगे लेकिन उसके पहले आपको मैं कुछ स्लाइड दिखा देता हूं ताकि इस वीडियो में हम लोग इस इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं कि हम लोग का टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए जनरल टेस्ट का सिलेबस अभी क्या है इसके अलावा सी टी कॉन्सर्प्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ये जो बेल आइकन वाला घंटी दिख रहा है नीचे उसको जाके ऑल में प्रेस कर लीजिएगा प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको एक भी अपडेट मिस ना हो और जो स्टूडेंट हमारे पेड कोर्स में नहीं भी जुड़े हैं उनके लिए डेली लाइव आते हैं हम नौ बजे रात में पे जहां पे जीके जी एस को फोड़ते हैं क्योंकि हम लोग को सी टी को फोड़ना है ना जी उसके लिए मेहनत करना है कि नहीं बिल्कुल मेहनत करना है हमारा क्रेश कोर्स नाइन 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 में ये कोर्स उपलब्ध है अप्लीकेशन का नाम सी टी कॉन्सेप्ट जाओ प्ले स्टोर पर जाके परचेस करो अगर आप कर करना चाहते हो तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं सबसे सब पहले बात करेंगे क्या पॉसिबल है लेकिन उसके पहले आपको जानना होगा जीटी यानी जनरल टेस्ट का पैटर्न मैं इस बात पे बहुत ज्यादा जोर दे के कहना चाहूंगा कि आप जानते हो जब फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ लैंग्वेज तैतीस लैंग्वेज शामिल है सेक्शन ए के ए में तेरह सेक्शन ए के बी में ट्वेंटी तैतीस लैंग्वेज शामिल है डोमेन में ट्वेंटी सेवन सब्जेक्ट शामिल है जीटी स्पेशल होता है जीटी और सी में ज्यादा स्टूडेंट जीटी ही ऑप्ट करते हैं क्योंकि कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ जीटी पे अपना मेरिट बनाती है जीटी हर एक यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो जीटी का पैटर्न जान लीजिए आपसे सवाल पूछे जाएंगे आपको बनाना कितना है पचास पचास आप कोई भी बना सकते हो साठ में ये नहीं कि एक से लेके पचास तक और लेडी इन्होंने ऑप्शन दे दिया है कि आपको साठ में पचास सवाल बनाना है यानी साठ में अगर पचास सवाल आपका आपको आ रहा है तो दो सौ पचास नंबर पॉसिबल है मान लेते हैं 250 नंबर आप नहीं ला पा रहे लेकिन कितना टारगेट स्कोर होना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे सही करोगे पांच नंबर मिलेगा गलत करोगे एक नंबर कटेगा इस प्रकार आप लोग देख रहे होंगे 250 नंबर का आपका जीटी पेपर होता है नहीं अगर आप इसकी इससे इंटू फाइव करेंगे तो 300 आएगा लेकिन इन्होंने एनटीए ने 10 सवाल को ऑलरेडी पहले ही कह चुका है कि आप मत बनाइए आपको पचासी बनाना है साठ में पचास बनाना है यानी दो सौ पचास नंबर का आपका जीटी का पैटर्न है आ गया समझ में अब जीटी में आता क्या क्या है जी, मैथ रीजनिंग जीके एन करेंट अफेयर ये तीन सेक्शन एनटीए ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि इससे इतना सवाल पूछा जाएगा लेकिन आप ये जानो कि 18 से 20 सवाल इससे पूछा जा रहा है 20 से 22 सवाल इससे पूछा जा रहा है ठीक है बच्चों और 16 से 18 सवाल के बीच में इससे आ रहा है इस प्रकार टोटल जो सवाल की संख्या बन रही है सिक्सटी कितना सिक्सटी सवाल तीनों मिला के बन रहा है सिक्सटी एम सी क्यू इस प्रकार और ये किस आधार पे मैं बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू PIQ क्योंकि हम लोग चार वर्षों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं दो वर्षों से CUET की तो हम लोग को CUET का जो PIQ है सिलेबस से पूरा निचोड़ हम सभी लोगों को पता है तो ये आपको समझ में आ गया अब सवाल ये है कि सर मैथ के लिए हम किस-किस टॉपिक पे ध्यान दें तो देखिए मैथ के लिए हम बताएंगे आपको बहुत ऐसे टॉपिक है जिससे सवाल आता है टाइम इन वर्क आता ही आता है लॉस एंड प्रोफिट परसेंटेज एवरेज, रेशियो एस आई सी आई ये सब ऐसे टॉपिक है जो बेहद इंपॉर्टेंट है इन सभी टॉपिक से सवाल आते ही आते हैं और सर तो यहाँ तक कि एलजेवला, मेंसुरेशन सब पढ़ा रहे हैं मैथ बैंक तो ये सब टॉपिक को ध्यान देना है रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन डायरेक्शन टेस्ट ऑर्डर ये अल्फाबेट टेस्ट ये सब देखते होंगे सूरज सर लगातार पढ़ाते रहते हैं आपको यहाँ पे रीजनिंग में तो ये हो गया मैथ और रीजनिंग जो कि आपको एकदम ये नहीं सोचना है कि मुझे डिटेल में जाना है बहुत प्रश्न का लेवल एकदम मीडियम होता है एकदम मीडियम होता है बच्चों और यार जीके जी एस करेंट अफेयर आप हमसे पढ़ रहे हो डरने की बात है क्या रात नौ बजे लाइव जुड़ो डरना नहीं है आप कहोगे सर बेस्ट बुक कौन सा होगा देखो अभी जरूरी है मुझे पता है कि आप लोग अभी जो है क्लास ट्वेल्थ का एग्जाम दिए हो कई ऐसे स्टूडेंट है जो पिछले साल दिया होगा तो कंपटीशन मैथ का पढ़ रहा होगा लेकिन बेसिक आता है। आप आए आप ऑलरेडी मीन मीडियन मोड पढ़ चुके हैं उससे सवाल आता है सी में भर भर के सवाल आता है कुछ भी नहीं है बहुत ईजी है बस जरूरी है आपको लगातार मेहनत करने की ये जरूरी है ये जो मैं बर्ड लिखाऊ लगातार आज से ये आप मान लीजिए कि आपको एक घंटा टाइम देना है मैथ पे वन आवर वन आवर देना है रीजनिंग पे टाइम और वन आवर जीटी पे मतलब जीके जी पे तीन घंटा आप समय जो जनरल जनरल टेस्ट में जीटी में तीन आवर और तीन आवर तो अभी से एग्जाम तक दे ही सकते हो अगर इतना भी नहीं दोगे तो कैसे आप ये उम्मीद रखोगे कि मैं अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचूंगा तो ये तीन घंटा प्रतिदिन टाइम दो ये पॉसिबल है अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो आगे देखता हूँ आगे जैसे ही चलूँगा तो ये आप जान लीजिए कि सी में चौदह से पंद्रह लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपका ध्यान होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने पे और लेडीज साठ सवाल में आपको पचास ही बनाना है अब पचास में कम से कम पैंतालीस तो आपको आना ही चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पैंतालीस सवाल आना चाहिए ना जी अगर 45 सवाल आ रहा है आपको तो 225 नंबर आपका बन रहा है कितने में 250 में दो और 225 प्लस आपको टारगेट रखना ही रखना है यानी इतना तो हमको लाना ही है ये एन का सिलेबस है कि 50 सवाल बनाना है 60 सवाल में ठीक है भाई राम आगे देखिए जनरल नॉलेज करेंट अफेयर मेंटल एबिलिटी यहाँ देखो नोमरीटिलिटी रीजनिंग इसमें देखिए सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्वान्टिटिव अर्थमेट्रिक और जेबला जोमेट्री यहाँ देखिए लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग यानी कि ये सब जो है सिलेबस दिया कहीं मेंशन नहीं किया किस टॉपिक से कितने सवाल आएगा लेकिन जो यहाँ से सिलेबस का भी वीडियो मिला होगा आई बटन पे जाइएगा तो या फिर सीयूटी टी कॉन्सेप्ट के प्ले लिस्ट में जाइएगा तो सीयूटी सिलेबस करके एक सेक्शन बना हुआ वहां जाके पूरा सिलेबस देख लीजिए सभी टीचर ने डिटेल से सिलेबस बनाया है ठीक है बच्चों तो ये रहा जीटी के बारे में अब हम आगे बढ़ते हैं आप हमारे चैनल तक यहाँ तक वीडियो देखें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ इसको जाके बेल आइकन जाके ऑल में जाके जरूर प्रेस कर लीजिए आपका एक भी अपडेट मिस नहीं होगा रात प्रतिदिन नौ बजे जुड़िएगा लाइव जो लोग लाइव जुड़ते हैं बताइए वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कीजिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ये रहा हमारा क्रेश कोर्स के बारे में सिर्फ नौ सौ निन्यानवे में ताबड़तोड़ लाइव क्लास चल रही है एप्लीकेशन पे आप भी ज्वाइन कीजिए और आप भी बढ़िया स्कोर कीजिए आपको भी कड़ी मेहनत करना होगा तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इस वीडियो में यही जानना था कि जी में कैसे बढ़िया स्कोर करें कितना टाइम देना है दो वर्ड निकल के आया लगातार मेहनत करना है तीन घंटा प्रतिदिन आज से समय देना है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मिलते हैं रात नौ बजे यूट्यूब चैनल कॉन्सर्ट